मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ट्रेन जलाएं किसकी जला दी, कहाँ जला दी, कब जला दी, बता तो दो, समझ रहे हो ना, किसकी ट्रेन जला दी, शौक है क्या मैं जलाने का, हमारे देश का नागरिक है ना ये। ये जो सरहद बनाई देखी ना आपने, सरहद होते हैं ऐसे तार लगाए की लगा दी है आतंकवादी, पहले तो इंडायरेक्टली बोले, डायरेक्टली बोल रहे, समझ रहे हो ना, दिल्ली वाले बाहर के हैं क्या, हमारे आदमी है, इंसान है, हम भी इंसान है, कभी हमने कुछ किया है, दो महीने से बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में गए थे हम 26 जनवरी को, एक पत्ता भी तोड़ा तो बता दो आप, यही तो गेम है कि डिवाइड एंड रूल करो इन लोगों को, डिवाइड एंड रूल, दिल्ली वाले को इन किसानों के खिलाफ खड़ा कर दो, आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा काम बनता रहेगा, यही तो बात है, डिवाइड एंड रूल, राम नाम जपना पराया माल अपना, बहुत बढ़िया, यही तो बात है ना। स्थानीय लोग भी तो कल प्रदर्शन कर रहे थे, कौन स्थानीय था यहाँ का, अरे वो बीजेपी वाले लेके आते हैं, हाँ। नंद किशोर आपको पता है कौन आया था यहाँ पे, वो लेके आते हैं, उनके जो पिट्ठू होते हैं ना, पैसे दाढ़ी पे लेके आते, 500-500 रुपए दे के था, आज तेरी खाना पीना खर्चा मतलब सब वो करके लेके आते, सिंगू बॉर्डर पे भी होता, सिंगू बॉर्डर पे जो ग्रामीण है उन्होंने खुद ये बोला कि हम तो किसानों के साथ हैं, गांव में कौन रहता है, किसान रहते हैं, तो किसान वहाँ पर बैठा है तो बोल रहे कि ग्रामीण खिलाफ है, ये तो गेम है भाई साहब। तो जयदीप एक बात बता, कुछ भी सरकार ने अच्छा नहीं किया क्या, मतलब इतने साल सरकार रही, 7 साल रही है, अभी भी चल रही है, 50 साल का दावा कर रहे हैं, मतलब कुछ सही नहीं किया, एक भी काम कर दिया ना, बहुत अच्छा काम, बैठे सड़कों पे, यही काम अच्छा किया है, समझ रहे हो ना, और दूसरी बात, इस देश को मिला दिया है, किसान इकट्ठा हो गए, संगठित हो गए, सब एक किसान की बात करें, आज कोई धर्म की बात नहीं, मजहब की बात नहीं कर रहा, तो यही अच्छा काम किया है जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई अच्छा काम नहीं किया, स्वच्छ भारत पे आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, इस देश में सबसे पहले 2014 में सरकार आती, क्या बोला, नाम बदल दिया, योजना आयोग होता था उसका, नीति आयोग नाम बदल दिया, शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, मेरा नाम जयदीप है, सबसे अंबानी लख दो जी, मेरा हालात बदल, नाम बदलने से क्या होता भाई साहब, तो वही बात है, नाम बदल दो, योगी जी तो इसी में यकीन करते हैं ना, नाम बदलने से, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अंबानी रख दे मेरा नाम, तेरा रख दिया, बन गया तो अंबानी, बन गया क्या, हालात सुधरे क्या, ये बकवास है, बकवास टोटल, दिमाग खराब कर रहा है, हालात भी बदल जाएगा, तो बदल देना, कहाँ बता दो ना, हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है, ये हालात बदले क्या, हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड करता है जी, समझ रहे, ये हालात बदले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, बोलते हैं 94 कहते हैं कि जो मरने वाले थे वैसे भी मर जाते, तो गांव में भी मरते हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं हरियाणा के, हम लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, नहीं फिर वही तो बात है, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर नेचुरल डेथ बोला उन्होंने स्वेच्छा से, मतलब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, उन्होंने बोला ये, आप मुझे बताइए, फांसी तोड़ दो, अगर ये नेचुरल डेथ है, सड़क पर मर रहा है किसान है, ये कोई मतलब बचा नहीं है ना, कोई पागल हो गए यार। अच्छा, हरियाणा के ही गृह मंत्री है कि ये आंदोलन खाली हो चुका है, आप यहाँ पे आ रहे हो, खाली हो चुका है, मेरे से बात करो, लोग इतने खड़े खाली, ये क्या है, कहाँ से है, पाकिस्तान से आए गए, जहाँ लाखों बोलो की बात करते हैं, दो चार ही समझते हैं इसको, अरे घर का काम क्या है, लाखों की बात हो के जगह पे यदि दो चार दिख रहे हैं उनको, तो वो तो वही दिखा, मैं वही बोल रहा हूँ, आप अपना कैमरा पैन करके देखो, जहाँ तक देखो वहाँ तक लोग खड़े हैं, समझ रहे हो ना, मीडिया वाले खरीद लिए, सबको पता ना, बाल बोला ना, गोदी मीडिया जो चाहे दिखाए भाई साहब, खत्म करने का हथकंडा ये जी जी। आपने अभी एक बात कही कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो सरकार के पिट्ठू हैं, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग विपक्ष के नुमाइंदे हैं, कौन है नुमाइंदे, एक तो आप मुझे बता दीजिए, देश में विपक्ष कहाँ है, कौन सी कांग्रेस की बात करो, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस या जो वाला नेहरू वाली कांग्रेस, समझ रहे हो, इस देश में ना मैं वही बोल रहा हूँ, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष तो हम है, सड़कों पे कौन उतर रहा है, बार बार 2014 से उठा के दे रहे, इतना आंदोलन हो रहे हैं, तो विपक्ष तो हम, विपक्ष का काम हम कर रहे हैं, करना चाहिए था, विपक्ष है ही नहीं देश में, डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है ना, राहुल गांधी पीएम क्यों बनेगा, इस देश में नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने का सबसे बड़ा काम किया है राहुल गांधी जी ने, अगर कोई सोलह आदमी होता था इतनी सीटें नहीं आती, समझ रहे बात को, क्योंकि देखते हो पप्पू है यार, पप्पू को वोट कौन देगा, साबित कर दिया ये सरकार ने कि तुम पप्पू हो, इससे उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, पप्पू किसान तो 2-3 महीने हो गए, 22 के बाप की जागीर है क्या, अरविंद जी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़े, उसके बाप की जागीर है क्या, डेमोक्रेसी, वही सत्ता में राज करेगा, तू क्यों नहीं बन सकता पीएम, सही बात है, बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, सबकी सरकार है भाई, कोई भी बन सकता है, देखिए भगत सिंह ने कहा था कि आजादी को हर किसी बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं, सर काटे तो काट ले, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हम, हटने वाले ने कुछ भी हो जाए, जब तक कानून वापसी नहीं करो, वापसी नहीं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आंदोलन के रास्ते को छोड़ एक बार उस रास्ते पे चल के देखा जाए, कहीं हल निकल जाए, एक गला ये कानून जहर है, समझ रहे हो, दो सरकार बोली संशोधन कर ले, बात के दो संशोधन तो कर रहे हैं, तो एक चुटकी जहर, एक गिलास जहर का, एक चम्मच जहर तो जहर होता है, ऊपर से बोला होल्ड कर देंगे 1.5 साल के लिए, अब बीमारी को 1.5 साल लोग को बीमारी ही रहेगी, जहर तो जहर ही रहेगा, बदल जाएगा क्यों, बताओ, समझ, प्रधानमंत्री ये बात माना जा सकता है, आप ही ने दो बार चुना है, अरे बहुत मान लिया भाई साहब, पीछे ले आए हैं ना, क्या कितनी माने,
और मान रहे तो बात कर ले, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना? आप मुझे बताइए, बोलने के बार बार भला होगा। तो बात कर रहे हैं ना, संशोधन करने की बात कर रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। संशोधन वही तो बोल रहा हूँ, जहर का क्या संशोधन होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ कि सरकार बोल रही है कि आपका भला होगा, हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भला नहीं चाहिए। जबरदस्ती भला क्यों कर रही है? जबरदस्ती भला किया जा रहा है देश में जी। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, गृह मंत्री जो हरियाणा के हैं उन्होंने कहा है कि दिशा रवि जो गिरफ्तार हुई है ऐसे आतंकियों को खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल मतलब कि जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? ये भी आतंकी है, अगर दिशा रवि आतंकी है तो ये सब आतंकवादी है। अगर देश के अत्याचार के खिलाफ, दमन के खिलाफ आवाज उठाना आतंकवादी है तो मैं आतंकवादी हूँ। मैं खालिस्तानी हूँ, अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना तो मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ, खालिस्तानी हूँ। बोल देना सरकार को, खत्म करना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। अब इस देश में इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, पूंजीवाद गाते हैं, समाजवाद आएगा, भगत सिंह आएगा। जोर से बोलना है क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गुंगे बैर को सुनने के धमाका जरूर होता है। बिल्कुल, वो आवाज है जुबान धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज देनी चाहिए गुंगे बैर। इंकलाब, 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 इंकलाब।